उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की नगर पालिका परिषद अमरोहा में सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका चेयरमैन शशि जैन व नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका परिषद अमरोहा पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने अपनी मांगों को लेकर अमरोहा की नगर पालिका परिषद पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन अमरोहा नगर पालिका चेयरमैन शशि जैन व अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार को दिया। सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तथा वाल्मीकि समाज के लोगों ने दोपहर पालिका पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों से तो काम लिया जा रहा है, जबकि ओबीसी के सफाई कर्मी अपने मूल कार्य पर वापस नहीं आ रहे हैं। इनके बदले वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों से काम लिया जा रहा है, इस शोषण को वाल्मीकि समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका कहना था कि समस्त सफाई कर्मियों के वेतन बिलों को सभासदगणों के हस्तक्षेप में मुक्त किया जाए। सभासदगणों का हस्तक्षेप केवल सफाई नायकों व सफाई निरीक्षकों तक ही सीमित हो। पालिका परिषद से गत वर्षों में काफी सफाई कर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके स्थान पर कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है। जनसंख्या मानक के आधार पर वाल्मीकि समाज से पारदर्शी के आधार पर 300 नए सफाई कर्मियों को भर्ती किया जाए। संविदा सफाई कर्मियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों की बहुत ही दयनीय स्थिति बन जाती है। संगठनों द्वारा आपको अवगत कराया जा चुका है, उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए उनके आश्रितों को नौकरी पर रखा जाए। उनका कहना था कि संविदा व ठेका सफाई कर्मियों का साप्ताहिक अवकाश किया जाए, संविदा ठेका सफाई कर्मियों में चल रही विसंगतियों को दूर किया जाए, वार्डों में सफाई कर्मी की तैनाती वार्डों की जनसंख्या के आधार पर की जाए। सफाई कर्मियों को काफी समय से वर्दी नहीं दी गई है, उनको मौसम के अनुकूल गर्म में ठंडी वर्दी दी जाए। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अमरोहा उत्तर प्रदेश। अमर कुमार वाल्मीकि जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ट्रेड यूनियन अमरोहा। आज जो आपने धरना दिया है, क्या है पूरा मामला? ये नगर पालिका परिषद अमरोहा के सफाई कर्मचारियों की काफी लंबे से चली आ रही समस्याओं को लेकर हम नगर पालिका परिषद अमरोहा की चेयरमैन श्रीमती शशि जैन जी एवं अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी को हम अनेकों बार पत्र के माध्यम से अवगत करा चुके हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान कराया जाए, लेकिन पालिका प्रशासन गूंगा बहरा हुआ पड़ा है। और हमने इनके अतिरिक्त जिला प्रशासन एडीएम साहब एवं डीएम साहब को भी हमने पत्रों के माध्यम से अवगत कराया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जबकि सफाई कर्मचारी कोविड जैसी महामारी में भी अपने परिवार एवं अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी सफाई का कार्य करता रहा है, उस दौर से गुजरा है जो हमारा देश के महामारी का दौर था। मैं नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका की चेयरमैन महोदय से यह कहना चाहता हूं कि ये धरना प्रदर्शन जब तक चलता रहेगा, जब तक सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा, यहां नगर पालिका चेयरमैन और यो साहब की तरफ से हठधर्मता दिखाई जा रही है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहां सब संगठनों का सहयोग है, यहां सफाई कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। जब तक सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निदान नहीं किया जाएगा, तब तक धरना सुचारू रूप से चलता रहेगा। यहां 54 ओबीसी सफाई कर्मचारी हैं, यहां उनसे कार्य नहीं लिया जाता है, उनके बदले का काम भी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों से लिया जाता है। वो घर बैठे वेतन प्राप्त कर रहे हैं चेयरमैन साहब और यो साहब की मंशा से। इसमें चेयरमैन साहब और यो साहब की पूरा सहयोग है, वो उन्हें घर बैठे वेतन देते हैं और उनके बदले का वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों से कार्य लेते हैं। इसे संघ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी हद तक भी हमें जाना पड़े हम जाने को तैयार। जब तक वो काम पर नहीं आएंगे तब तक ये धरना चलता रहेगा। इन्हें सबको जानकारी है, इन सबकी मिली भगत से ही उन लोगों को घर बैठे तनख्वाह दी जा रही है। सफाई कर्मचारी मृतक आश्रित और रिटायरमेंटों का कई कई वर्षों से यहां नगर पालिका पढ़ते हैं, पेंशन ग्रेच्युटी एरियल बोनस आदि भुगतान है। हमारे समस्त सफाई कर्मचारियों का 8-8 महीने से ईपीएफ जमा नहीं किया गया है, ना उसकी कोई जानकारी सफाई कर्मचारी को दी जाती है। यहां बिल्कुल भेदभाव के साथ कार्य किया जा रहा है, केवल वाल्मीकि समाज को टारगेट किया जा रहा है, यहां ओबीसी सफाई कर्मचारियों से कार्य नहीं लिया जा रहा। अब ये तो वो भली बात ही जानते होंगे सर, हमें तो ऐसा लगता है कि वो वाल्मीकि समाज से कहीं ना कहीं। जी साहब, ये बताइए जो आज लोकल हॉस्पिटल में एक महिला को जीवन दान मिला है, फिर से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ 4-5 दिन पहले एक महिला हमारे हॉस्पिटल में आई, आयुष्मान योजना के तहत हमने उसका इलाज शुरू किया और ये देखा कि उसके दिमाग में ट्यूमर है,
तो हमारे जो सर्जन हैं डॉक्टर सैयद अशरफ अली, उन्होंने बीड़ा उठाया कि हम इसको ऑपरेट करें, और हमने इसको ट्यूमर को नाक के जरिए, ट्यूब जिसकी वजह से उसकी आंख की रोशनी भी चली गई थी, हमने ट्यूमर उन्होंने इस बात को पूरा किया। डॉक्टर सैयद अशरफ अली ने लगभग 12 घंटे सर्जरी की, 12 घंटे में सर्जरी पूरी हुई। अभी वो महिला की आंख की रोशनी धीरे धीरे वापस लौटने लगी और वो फिट है और आप डिस्चार्ज हो सकती हैं। और अभी जो हमने देखा कि ये ट्यूमर की एक नई टेक्निक हमने निकाली है, डॉक्टर ने निकाली है हमारे यहाँ पे, कि अब हम नाक के जरिए बिना ओपन किए सिर को उस ट्यूमर को निकाल सकते हैं। ये एक अचीवमेंट है अमरोहा के लिए, और आयुष्मान लाभार्थियों को हम लोग यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं अपनी, और कोशिश करते हैं कि हम लोग अच्छा करें। स्पाइन की सर्जरी भी हमारे यहाँ है, बहुत सारी चीजें हैं हम लोग जो यहाँ पर आयुष्मान योजना के तहत देते हैं, और धन्यवाद करते हैं इस सरकार का कि वो लोग जो इस वक्त जिनके पास पैसे नहीं है, जो लोग परेशान हैं, वो आयुष्मान योजना के तहत हमारे यहाँ से लाभ ले रहे हैं और अस्पतालों से भी ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जिनकी कूलें खराब हैं, चार चार साल से अपने पैरों पर नहीं चले हैं, तो कुछ बहुत सारी मिसालें हैं, 55 साल हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जो शुक्रिया अदा करते हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का भी, उन लोगों की मदद करता हूँ।